Happy day to all children and welcome to our environment class. Yes, and chapter number 27. What we'll study today? Chapter number 27. Chuskits goes to school. ये हमारे syllabus का last lesson है ना? तो आज हम Chuskit goes to school की पढ़ाई करेंगे. चलो, let's start. Chuskit's dream. Today is a special day for Chuskit. It is so special that last night Chuskit could not even sleep. Do you know why? Chuskit is 10 years old, but today she is going to school for the first time. And she has been waiting for this day since long. Is paragraph mein kya samjhaya hai? Chuskit is the name of a girl, 10 year old girl. Yes, 10 saal ki bachchi ki baat hai. Aur aaj uska special day hai. Kyu special day hai bachcho? Because वो आज स्कूल जा रही है और ये दिन के लिए वो बहुत वेट कर रही थी. यस, नाउ नेक्स्ट वॉट. Chuskit स्कूल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस. यू हैव टू टेक द बिग रोड एंड देन वॉक अलॉन्ग द लेक, क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्रीज एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइम यू रीच द स्कूल. दिस इज हाउ ऑल चिल्ड्रेन ऑफ स्किप्टोपुल विलेज रीच their school, all children but not Chuskit. See, इसमें क्या mention किया है? Chuskit school is not very far, मतलब उसका घर इतना दूर नहीं है school से. You have to take a big road and then walk along the lake. एक road पे जाना है और lake के बाजू से pass होना है, then cross the river, और river को cross करना है near the popular trees, और जो trees थे popular वहाँ से उसके बाजू से जाना है. एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब, फिर थोड़ा चढ़ के यू रीच द स्कूल. दिस इज हाउ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किप्टो विलेज रीच देयर स्कूल. ऐसे स्किप्टो विलेज, स्किप्टो पुल विलेज रीच देयर स्कूल. एक विलेज का नाम है. सी, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख. यस, सी आई हैव, समझ में आया किधर है लद्दाख अभी? ओके, तो इसमें बता रहे हैं कि स्किप्टोपुल विलेज में जो बच्चे हैं ना ऐसे ही स्कूल जाते हैं. पहले बिग रोड, देन वॉक अलोंग द लेक एंड क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्रीज एंड देन आफ्टर अ स्मॉल क्लाइंब रीच द स्कूल. बट सब बच्चे जाते हैं बट नॉट Chuskit. यस, Chuskit नहीं जाती. अभी हम आगे समझेंगे क्यों नहीं जाती. At first, Chuskit did not know that she was different from other children, but slowly she found that she could not do the things that the other children could. It was because of her legs. Since birth, Chuskit could not use her legs. अभी इसमें क्या बता रहा है कि पहले तो Chuskit को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट है. और वो कैसे पता चला? स्लोली स्लोली सी फाउंड दैट शी कुड नॉट डू द थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन कुड. उसको धीरे धीरे समझ में आया कि जो दूसरे बच्चे करते हैं ना वो नहीं कर सकती. इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स, क्योंकि उसके पैरों की वजह से. क्या था पैरों में? सिंस बर्थ Chuskit कुड नॉट यूज़ हर लेग. Chuskit उसका लेग यूज़ नहीं कर सकती थी. उसको पैरों में प्रॉब्लम थी, पैरालिस का प्रॉब्लम था. यस, इट इज़ वन काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जो बाय बर्थ होता है. सो सम डिफरेंट थिंग्स, मतलब ये पैरों दूसरे बच्चों जैसा नहीं कर सकती. यस, नाउ आगे क्या बता रहा है? Chuskit's चेयर. ऑल डे Chuskit यूज्ड टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर्स. हर मदर अम्माले सेड दैट Chuskit मेड द बेस्ट ड्रॉइंग्स. This made Chuskit happy, but Chuskit was happier when one day her father, Abbale, got a chair which had wheels. See? Yes. She quickly learned how to sit in the chair and how to move it back and forth. Chuskit was so happy because now she did not need her father to carry her everywhere. When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. Now she could come outside on her own. अभी देखो बच्चों, ये पैराग्राफ में क्या समझा रहा है?
ऑल डे वो विंडो के पास बैठी रहती थी और ड्राइंग करती थी पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग. यस, हर मदर, अम्माले मीन्स मदर, से द चूज किड्स मेड बेस्ट ड्राइंग. और अम्मा उसकी है ना, उसको मदर उसको प्रेज करते थे कि चूज किड ड्रॉज वेरी गुड ड्राइंग. उसका पिक्चर्स सारे जो ड्रॉ करती थी वो बेस्ट ड्राइंग्स होते थे. दिस मेड चूज किड हैप्पी, और ये सुन के बहुत खुश हो जाती थी. देन बट चूज किड वॉज हैप्पियर व्हेन अ फादर गॉट अ चेयर विच हैड व्हील्स. उसके बाद अब्बा ने उसको व्हील चेयर ला के दिया. सी, मैंने दिखा था ना पहले, लाइक दिस. यस, तो वो जो खुशी उसको मिली उससे ज़्यादा थी. शी क्विकली लर्नड हाउ टू सिट ऑन द चेयर एंड हाउ टू मूव इट. और उसने जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से सीख लिया कि कैसे चेयर को मूव करते हैं, बैक फोर्थ करते हैं, लाइक दिस. क्योंकि फिर उसको इसलिए खुशी हो रही थी कि बार बार उसको अब्बा ले मतलब फादर उनको उधर चुस्किट को कैरी करके नहीं जाना पड़ेगा. अभी वो चेयर पर बैठ के जा सकती थी. जब भी उसको बाहर जाना होता था तो उसकी अम्मा मतलब मदर यूज़ टू हेल्प, उसको चेयर पे बिठा देती थी और वो फिर ऐसे अपने आप बाहर जा सकती थी. यस, फिर चुस्किट वुड सी द अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग. दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल. शी विश्ड दैट शी कुड ऑल्सो गो विद देम. और क्या इसमें बता रहे हैं, चुस्किट तभी दूसरे बच्चों को देखती थी, सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए एवरी मॉर्निंग, जो हंस हंस के खेलते थे और स्कूल जाते थे. देन उसको क्या हुआ, उसको भी एक विश किया. शी विश दैट शी कुड ऑल्सो गो विद देम. उसको ऐसे विश हुआ कि उसको भी स्कूल जाना है बच्चों. सी दिस पैराग्राफ चुस्किट्स चेयर के बारे में उसको एक्सप्लेन किया है कि उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया ये चेयर और उसकी वजह से उसको इतनी खुशी मिली कि वो अभी अपने आप मतलब अपने आप जाती है और आती है. यस, बट उसको एक और भी विश हुआ. क्या हुआ, इच्छा हुई. विश मतलब इच्छा कि उसको भी स्कूल जाना है. अभी आगे क्या बता रहे हैं, वन डे अब्दुल केम टू हर हाउस विद अ लेटर. When he saw Chuskit, he asked her why she did not go to school. Chuskit told him sadly, I cannot walk. Abbale cannot carry me all the way to school every day. I cannot even wheel my chair as the road to school is not level. Also, how can I cross the river? अभी क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ में क्या समझा रहा है. एक दिन अब्दुल आया घर पे. उसके हाथ में एक लेटर था और अब्दुल ने जब चस्किट को देखा तो उसने ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हें स्कूल नहीं आना है क्या, तुम्हें कभी मन नहीं करता स्कूल आने का. तो चस्किट एकदम सैड हो गई. यू नो वाई बच्चों, उसको जाना तो था बट शी वॉज नॉट मतलब वो हेल्पलेस थी, वो कैसे जाए. तो वो उसको रीज़न बताती है अब्दुल को कि आई कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती. फिर अब्बाले कैन नॉट कैरी मी ऑल द वे टू स्कूल एवरी डे. अब्बाले मतलब फादर, उसके पिताजी फादर एवरी डे उसको कैरी करके स्कूल नहीं लेके जाते. इट इज़ नॉट ईजी ना टू कैरी हर एवरी डे टू स्कूल. यस, देन आई कैन नॉट इवन व्हील माय चेयर एज द रोड टू स्कूल इज़ नॉट लेवल. और वो अपने व्हील चेयर से भी उधर नहीं जा सकती क्योंकि उसका रोड ऐसे इज़ नॉट ऑन लेवल, मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ है ना. सो वहाँ तो व्हील चेयर नहीं जा सकती ना. ऑल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर, पर स्कूल में जाने के लिए एक रिवर भी है, हमने सेकेंड पैराग्राफ में देखा था ना. तो वो भी कैसे क्रॉस करे व्हील चेयर से, दैट वॉज नॉट पॉसिबल. देन वॉट अब्दुल इज सेइंग, अब्दुल आस्क्ड बट वुड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल इफ़ यू कुड. चस्किट वॉज एक्साइटेड, मतलब अब्दुल ने फिर भी पूछा कि अगर तुम्हें मौका मिलता है तो तुम्हें स्कूल जाना है. दिस प्रॉब्लम्स अ पार्ट, इसको तो साइड में रखो, बट अगर तुम्हें जाना है, कोई बोलता है तो तुम्हें जाओगी स्कूल. चस्किट वॉज सो एक्साइटेड, वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले. वो एकदम एक्साइटेड हो गई और बोला कि यस यस ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू, मुझे तो जाना ही है जैसे आप लोग जाते हो. और आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले, मुझे खेलना है पढ़ना है आप लोगों के जैसे, मतलब मुझे स्कूल जाना है. हर मेमेले
stopped her and said, Chaske, do not dream. You know that this is not possible. Mele is grandfather. उसको grandfather ने बोला, stopped her. उसको चुप किया कि Chaske ऐसे मतलब सपने मत देखो, do not dream. You know, ये possible नहीं था. कैसे तुम स्कूल जाओगे, कैसे रोज तुम्हें लेना आना जाना, कैसे ना व्हील चेयर से. तो दादाजी ने उसको बोला कि अभी तुम सपने मत देखो ऐसे. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट, अ गुड आइडिया. अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, अब्दुल वेंट बैक फ्रॉम चस्किट्स हाउस बट ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट चस्किट टू स्कूल. एक्सप्लेन्ड अबाउट चस्किट टू द हेड मास्टर एंड टॉक टू द टीचर टिल दे एग्रीड विद दिस thought. See, now everyone got together to work so that Chaskit's problem could be solved. They made a plan so that Chaskit could bring her wheelchair by road to school. Abhi isme ye paragraph mein kya hai, Abdul to chala gaya, usne kya kiya jab wo wapas aaya, went back from Chaskit's house but he had started, aur usne sochna thinking of how Chaskit get go to school, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी, कैसे मैं चस्किट को स्कूल तक मतलब हम चस्किट को स्कूल तक लेके आए ऐसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो उसने एक्सप्लेन अबाउट चस्किट और उसने ये सारी सिचुएशन, ये जो सिचुएशन थी ना कैसे क्यों, तो वो सब उसने हेडमास्टर को बताया. एंड टॉक टू ऑल टीचर्स, हेडमास्टर क्या होता है, यस स्कूल का संचालक. देन एंड विथ हिज थॉट्स, और उसने स्कूल में हेडमास्टर और टीचर्स को भी बताया उसकी सोच कि ऐसा प्रॉब्लम है चस्किट का और हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो स्कूल में आना शुरू कर दे. नाउ एवरीवन गॉट टुगेदर, और सब लोग मिलके बैठ के सोचने लगे. जब हम सब मिलके सोचते और मिलके कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं ना बच्चों, तो हम जल्दी उसमें से निकल जाते हैं. क्यों बताए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि वाई व्हाट व्हेन, तो हम सब मिलके कुछ तो सोल्यूशन मिलता है, वो सिचुएशन से हम आउट होते हैं. सो दिस वे दे मेड अ प्लान एंड चस्किट कुड ब्रिंग हर व्हीलचेयर बाय रोड टू स्कूल. उन्होंने कुछ प्लान तो किया है कि कैसे चस्किट व्हीलचेयर से बाई रोड स्कूल तक आए. यस, क्या प्लान किया है, चलो हम आगे समझते हैं. फॉर दिस द अनइवन रोड हैड टू बी मेड लेवल. वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड, अनदर ग्रुप वर्क टू लेवल द एरिया नियर द रिवर, बट देयर वॉज स्टिल द प्रॉब्लम. हाउ वुड चस्किट क्रॉस द रिवर? द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विथ वुड Cross the river. Everyone happily worked hard. They wanted Chaskit to come to school. See, awesome na, mast na. See, अभी क्या है, for this the uneven road had to be level. उन्होंने plan किया था क्या कि ये जो उबड़ खाबड़ road है ना उसको एकदम level में लेके आएंगे जिससे उसकी wheelchair उसके ऊपर चल सके. Yes, कैसे एक group of children था ना, उन्होंने लेवल करना शुरू कर दिया रोड में. अनदर ग्रुप वर्क टू द लेवल द एरिया नियर द रिवर, दूसरा जो ग्रुप था ना बच्चों का, उन्होंने जो रिवर के पास जो एरिया था उसको ठीक करना शुरू किया लेवल में. बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम, फिर भी एक प्रॉब्लम था. क्या था प्रॉब्लम? हाउ वुड चस्किट क्रॉस द रिवर? चलो रोड तो ठीक कर दिया, लेवल पे ले लिया, तो व्हील चेयर उस पर से मस्त आएगी, बट वहाँ एक रिवर भी है, उसको कैसे क्रॉस करेंगे? तो उसका क्या सोल्यूशन किया उन्होंने? द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम द टीचर टू मेक स्मॉल ब्रिज विद द वुड अक्रॉस द रिवर. फिर जो एल्डर स्टूडेंट्स थे ना बड़े बच्चे, उन्होंने क्या किया, टीचर की हेल्प लेके एक स्मॉल ब्रिज किया, बनाया वुड का, और अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस. एवरीवन हैप्पीली वर्कड हार्ड, और सब लोग, यू कैन सी द इमेज बच्चों, यस सब लोगों ने एकदम हार्डवर्क करके उसको तैयार किया. वाई? यू नो, बिकॉज दे वॉन्टेड चस्किट टू कम टू स्कूल, है ना, बहुत अच्छी बात. दिस इज़ द, ये क्या है, हमारी काइंडनेस टूवर्ड्स अदर, है ना, वी आर काइंड टू अदर्स. हमें उनकी एक इच्छा थी चस्किट की,
कि वो स्कूल आए और ये सब लोग देखो कैसे लग गए ये काम में कि चस्किट कैसे स्कूल पे आए, है ना, अच्छी बात. यस, दिस इज द काइंडनेस टूवर्ड्स अदर. या गुड. या नाउ चस्किट्स अब्बाले एंड अम्माले गिव हॉट टी एंड बिस्किट्स टू एवरी वन. चस्किट्स मेमले हैड टीयर्स इन हिज आईज, नॉट बिकॉज ही वॉज सैड बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी. अभी क्या है, चस्किट्स अम्माले एंड अब्बाले, उस चस्किट के माता और पिता, फादर एंड मदर, सबको चाय दिया गरम और बिस्किट्स दिए, जो सब ये लोग बच्चे काम कर रहे थे, और सब टीचर्स को. और चस्किट्स मेमले है टीयर्स इन हिज आईज, और उसके ग्रैंडफादर की आंखों में पानी आ गया. मतलब पानी आ गया मतलब वो दुखी नहीं थे कि ये लोग सब काम कर रहे हैं ये वो, बट खुशी के आंसू होते बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी. यस, वॉज वेरी हैप्पी कि चस्किट के लिए ये लोग इतना सोच रहे हैं और इतना कर रहे हैं, और वो अभी स्कूल जाएगी. नाउ बाई द इवनिंग द वर्क वॉज डन, ऑल द चिल्ड्रेन वर हैप्पी, बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज चस्किट. हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू. और अभी क्या हुआ, बाई इवनिंग, शाम तक ये सब काम हो गया, और द चिल्ड्रन वर हैप्पी, और सब बच्चे खुश हो गए कि येस वी डिड इट. देन बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज चस्किट. इन सब में सबसे ज़्यादा खुश कौन थे? येस, दैट इज चस्किट, बिकॉज अ ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू. उसकी जो ड्रीम थी स्कूल जाने की वो पूरी हो रही थी. नाउ एंड टूडे इट वॉज अ स्पेशल डे. दैट स्पेशल डे चस्किट वॉज ऑल रेडी, शी वॉज ईगर टू गो टू स्कूल. और वो इसीलिए, एंड टूडे इट वॉज दैट स्पेशल डे, वो इसीलिए आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल था. चस्किट वॉज ऑल रेडी, शी वॉज ईगर टू गो टू ऑल. वो एकदम से रेडी हो गई थी, उसको तो जल्दी स्कूल जाना था, और एकदम से ईगरली ही टू गो टू स्कूल. येस, और होता है ना बच्चों, सी आफ्टर लॉन्ग टाइम, और शी वॉज वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम. उसको तो सबको देख के कितना मन करता था, स्कूल जाओ, पढ़ू, खेलूँ सब बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ. होता है ना, आपको भी देखो, अभी ये पूरे पेंडेमिक में हमें कितना घर पे रहना पड़ा. व्हेन द स्कूल स्टार्ट, तो कितना ऐसा एक्साइटमेंट होता है, ईगरनेस होता है, चलो स्कूल जाना है, फ्रेंड्स से मिलना है, क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करनी है, मस्ती करनी है. होता है ना, सो दिस वे इट वॉज वेरी स्पेशल डे फॉर चस्किट. सो स्टूडेंट्स, स्टोरी पढ़ा हमने और समझा भी, था ना इंटरेस्टिंग? येस, होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी, समझ में आया? येस, और हमने क्या पढ़ा, वॉट इज द समरी ऑफ लेसन? समरी ऑफ द लेसन इज लाइफ इन हिली एरिया इज डिफिकल्ट. जो हिली एरिया है ना, उधर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है बच्चों, है ना. देन चिल्ड्रन हैव टू ट्रैवल अनइवन लैंड एंड क्रॉस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर टू रीच द स्कूल. सी कैसे बच्चे, येस, सारे बच्चे एक कैसे रिवर को क्रॉस करके जाना पड़ता था, कैसे उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, है ना, डिफिकल्ट. येस, लाइफ इन हिली एरिया इज डिफिकल्ट एंड चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड शुड बी एनकरेज टू स्टडी. येस, सी ऐसे बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए. येस, कि वो लोग, उनको ज़्यादा इनकरेज करेंगे तो वो पढ़ाई भी करेंगे और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों. येस, एंड वी शुड बी काइंड टू एवरीवन. कैसे इन सब ने मिलजुल के काम करके, मतलब चस्किट को स्कूल लाने के लिए कितनी एफर्ट की, मेहनत की ना, एंड दैट वाज विदाउट एनी, उनको तो क्या फ़ायदा होता, उनका तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बट इट इज़ अ काइंडनेस टूवर्ड्स अदर. येस, दूसरों के प्रति हम दया रखनी चाहिए. येस, एंड वी शुड बी रेडी टू हेल्प अदर्स एवरी टाइम. या सो विद दिस विल एंड अवर चैप्टर. टेक केयर, बाय.